कब से ये हाल आता है आपके यहाँ पर? ये 5 साल से ये हाल है जी। यहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं, ना कूड़ा का कोई घर बनाया जा रहा है। हमने उनके लिए बोला भी है, के लिए तो हमने बहुत कंप्लेंट भी दी है, केस भी चला है, फिर भी नहीं हुआ। अगर इसके लिए आवाज उठाते हैं ना तो उनको मारते हैं आके घर में। कुछ भी नहीं, 5 साल में एकदम बिल्कुल नहीं, नाम निशान नहीं है। 5 साल में तो जीना हराम हो रहा है सब पब्लिक का। हमारे ये नजीक घर है, उसका बहुत जीना हराम हो रहा है। खाना भी खाते बदबू आती है, देखते तब भी बदबू आती है। शिकायतें कहाँ कहाँ की इस मामले को लेकर? शिकायत कई बार कर ली, सुनकर चले जाओ, सुनाई नहीं करते, वोट आवा फिर खड़े हो जे हैं। शिकायत तो देखो हमने अलीपुर सब जगह कर दी है ना, पर आएगा वो सुनाई नहीं करते। चौमासे में ना निकला जाए ना बड़ा जाए, क्या करो, इतने कीड़े मकोड़े होते चौमासे में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। कोई विकास वकास नहीं हुआ, वोटों की विकास थे, जब वोट पड़ी थी उससे पहले सुनाई दी भी नहीं हुई थी कोई भी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 बुढ़पुर गांव में, और आपको बता दें यहाँ पर जन समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं और पूछेंगे कि 5 साल में इन लोगों ने इस मामले को लेकर कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं और बीते 5 साल में कितना विकास कार्य यहाँ पर किया गया है। और एक चीज़ और आपको बता दें, सामने बूढ़े बाबा का मंदिर है जो आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा एक बार उस तरफ दिखा दें। ये बूढ़े बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है और हर साल यहाँ पर जो है मेले का जो है आयोजन भी किया जाता है, लेकिन जस्ट मंदिर के सामने ही एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया जिसमें जो आवारा पशु हैं वो आपको घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर कई बार दिल्ली नगर निगम को सूचित किया है लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही एक चीज़ और दिखा दें आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, पूरी एक लाइन लिख दी गई है, लेकिन इस लाइन के सामने ही और इस लाइन के नीचे ही पूरे गाँव का जो कूड़ा है वो डाल दिया जाता है। जहाँ सुबह शाम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कचरे का ढेर यहाँ पर लगा दिया गया है। इसको लेकर लगातार यहाँ के लोगों ने शासन और प्रशासन से गुहारे लगाई हैं लेकिन उसके बाद भी मंजर जस का तस है। बात कर लेते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक से। नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है जी। सोनू जी, कब से ये हाल आता है आपके यहाँ पर? ये 5 साल से ये हाल है जी। यहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं, ना कूड़ा का कोई घर बनाया जा रहा है। हमने उनके लिए बोला भी है अपने निगम पार्षद को, लेकिन वो तो कभी आज तक आई नहीं है। वो आज तक इस 5 साल में कभी भी नहीं आई। हमने यहाँ झंडे का निर्माण भी करवाया था, उस झंडे के लिए बुलाया था, लेकिन उस दिन भी नहीं आई कि मैं यहाँ पर झंडा फहराऊँ। लेकिन कूड़े के तो वो क्या करेगी, मतलब हमारी गलियों में ये सफाई कर्मचारी कूड़ा निकाल देते हैं और वो कूड़ा कई कई दिन तक वहीं पड़ा रहता है, बदबू उठी रहती है और उससे मतलब बीमारी फैलती रहती है। जो मंदिर है सामने, मंदिर को लेकर जो मंदिर की कमेटी है उसने कभी कार्रवाई की इस मामले? उसमें कार्रवाई करी है, हमने विधायक जी को बोला जी, निगम पार्षद जी को बोला, हमने लेटर भी लिख के दिया है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमारे यहाँ कूड़ेदान की बहुत सख्त जरूरत है लेकिन बढ़ाया नहीं गया अभी तक। जो आपके स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई रही इस पे? आपने आप बता रहे हैं जैसे पत्र लिख के दिया उनको। हमने उनको पत्र लिख के दिया लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये एमसीडी का काम है, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर एमसीडी निगम पार्षद मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी हेल्प करके अर्बुड़पुर में कूड़ादान का निर्माण करवा सकता हूँ जी, उन्होंने ये बोला था जी। कितना समय हो गया इस बात को? उस बात को कम से कम कोरोना काल से पहले की बात है ये, करीब 3 साल। हाँ जी, 3 साल हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी। साथ ही कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नाम बताइए जी। मेरा नाम है राजवंती। कितना विकास कार्य किया गया 5 साल में और ये हालात कब से हैं? इसके लिए तो हमने बहुत कंप्लेंट भी दी है, केस भी चला है, फिर भी नहीं हुआ।
अगर इसके लिए आवाज उठाते हैं ना तो उनको मारते हैं आके घर में। कौन लोग मारते हैं? ये जो इनके खिलाफ है वही मारते हैं। जो इस चीज के खिलाफ है ना, कूड़ा उठे है उसके खिलाफ जो उठे उसी को पीटते हैं। तो सामने मंदिर आप लोग पूजा करने जाते हैं कभी? सब कुछ कर लिया, पूरी पब्लिक ने बोल दिया, बाजार वालों ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं है। हर एक तरह से कर लिया, सारे मतलब पूरी कॉलोनी ने इकट्ठा होके सब तरह की वो कर ली, कुछ कोई सुनवाई नहीं है इसी की। नाम बताइए। मुनक्का। मुनक्का, कितना विकास कार्य किया गया 5 साल में आपके यहाँ? कुछ भी नहीं 5 साल में, एकदम बिल्कुल नहीं, नाम निशान नहीं है। फिर अब से निगम चुनाव फिर आएंगे, फिर वोट डालेंगे आप लोग? डालेंगे वोट, कुछ फायदा मिलेगा वो डालेंगे, होएगा तो जरूर डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। मेरे लिए फायदा है तो वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे। बात कर लेते कुछ और महिलाएं जो मौजूद है यहाँ पर। नाम बताइए। हमारा नाम तो जी जमुना है। जमुना, कितना विकास कार्य किया गया 5 साल में? जी 5 साल में तो जीना आराम हो रहा है सब पब्लिक का, हमारे ये नजीक घर उसका बहुत जीना आराम हो रहा है। खाना भी खाता है बदबू आती है, देखते तब भी बदबू आती है। तो कोई सुविधा कोई हमारी मानते नहीं, पुकार नहीं सुनते, है ना। कीड़े भी चलते हैं, ये बना था कचरे के लिए तो इसको भी फोड़ के मंदिर में लगा लिया। तो मंदिर में पूजा करेंगे कि इसकी पूजा करेंगे? तो पूजा के पहले तो ये दिखेगा, पूजा के पहले तो ये दिखेगा, तो पूजा करने में फायदा ही नहीं है। तो हमारी सहायता देखो जी सुननी चाहिए, ये सारे के लिए बहुत फजूल काम है, ये अच्छा काम नहीं है, बहुत बेकार काम है। अब फिर से जो है निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या वोट करेंगे आप लोग? हाँ जरूर करेंगे साहब, वोट भी करेंगे, पर हमारी सहायता करेंगे तब, ऐसे नहीं करेंगे, चाहे आज सुनो चाहे कल सुनो, हमारे आगे से हटा दो गंदगी, हम भी सही सहायता आपके लिए तैयार हैं। साथ ही कुछ और महिलाएं मौजूद है जो यहाँ पर दिन भर रहती हैं और बात कर लेते हैं। नाम बताएं। श्रुति। श्रुति, इस मामले को लेकर कहाँ कहाँ शिकायतें की आप लोगों ने? जी इसकी शिकायत तो सबसे बड़ी पहले बात तो मंदिर में है, मंदिर मान्यांद्या में, इसकी वजह से क्यों पाँ गंदे हो जाते हैं, हम मंदिर नहीं जा सकते। दूसरी बात इधर घूमने भी नहीं आते हमें, बदबू सा रहा है, बच्चे नहीं लेके आते, इसकी बहुत परेशानी हो रही, 5 साल में बहुत तंग सा। शिकायतें कहाँ कहाँ की इस मामले को लेकर? शिकायत कई बार कर ली, सुन के चले जाओ, सुनाई नहीं करते, वोट आओ फिर खड़े हो जाए हैं। हाँ वोट आगे वहाँ से। अब फिर से निगम चुनाव में वोट करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे जी, ये कूड़े का हमारा समाधान कर देंगे, मंदिर पूरी पन्नी मंदिर में जाती है, उड़ उड़ के कूड़े की भी होती है, कचरे की भी होती है, सारी होती है, सारी मंदिर में जाओ, ये बहुत परेशानी मंदिर के लिए, बहुत परेशानी इसके लिए, अगर ये उठ जाएगा तो हम करेंगे वोट देंगे। नाम बताइए जी। सरला जी। सरला जी, कब से है ये हालात आपके और शिकायतें कहाँ कहाँ की आप लोगों ने? शिकायत तो देखो हमने अलीपुर सब जगह कर दी है ना, पर है का वो सुनाई नहीं करते हैं, चौमासे में ना निकला जाए ना बड़ा जाए, क्या करो, इतने कीड़े मकोड़े होते हैं चौमासे में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, इतनी परेशानी खड़ी है रही है। वो के माफ पछता कौन है, वो है का सुनते नहीं है, कौन सी पार्टी में नाम भूल गई, वो सुनते नहीं है। फिर से जो वोट गिरेंगी, अब दोबारा से चुनाव होंगे, क्या वोट करेंगे भाई? वोट ऐसे ही कूड़ा उठ जाएगा तो हम वोट देंगे, कूड़ा नहीं उठा तो हम वोट नहीं देंगे, पहले ये सफाई फिर वोट हम देंगे, ठीक है ना। हाँ हम वोट देंगे बिल्कुल ही। अब देखो मंदिर में आते हैं तो यूँ डाटा मार के जाते हैं, इधर से आते तो डाटा मार के जाते हैं, इतनी परेशानी है रही है, जीतराम कॉलोनी आधी है बीमार पड़ी रहे, पूरे गाँव के लिए सुधार कोई नहीं कर रहा भैया, इसके सुधार बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है, कूड़े की तो बहुत ज़्यादा जीना भारी हो रहा है, कभी हवा में गर्मी में कभी घूमने भी आवे तो घूम भी नहीं सके यहाँ कर, वैसे नई नई बीमारी चल रही, छोटे बच्चे, अब देखो गाय शाम को आकर ले जाएंगे आधार कार्ड लेंगे, देखो दुनिया भर की गाय देख ले, दुनिया भर की गाय छूट रही है, क्या करें बताओ, यहाँ तो जीतना भारी हो रहा भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है कूड़े का, तो बोलो क्या करें। गौशाला नहीं है आपके गाँव में? गौशाला नहीं है यहाँ, नहीं यहाँ नहीं गौशाला नहीं है। किसकी गाय है ये तो पता ना भाई किसकी है, गाय की खबर नहीं किसकी है, पर गौशाला नहीं है यहाँ, खेड़े में गौशाला, यहाँ गौशाला नहीं है। गाय कहाँ से आती है? गाय भूड़पुर की है ही की, पर ये पता कौन कौन की है, गाय भूड़पुर की है, परेशानी ज़्यादा खड़ी हो रही है, बच्चे हैं इतनी परेशानी हो रही है, बेटे क्या कहें, क्या जीना भारी हो रहा है। अरे यहाँ देखो यहाँ बाजार भी जुड़ेगा, इसी पर पिन्नी बिछाए के बेचारे सब्जी बेचते हैं, उसी सब्जी को तुम भी खाते हो हम भी खाते हैं, मरोगे या जियोगे पहले ये बता, क्या करोगे उस सब्जी का? बीमारी सब्जी में नहीं है, बीमारी है का हम में तुम में, इनमें बीमारी है इसमें। अब कल बाजार लगेगा, खरीद ली पिन्नी बिछा बिछा के इस पर सब्जी बेचेंगे, लेनी पड़ेगी मजबूरी, क्या करें।
यहाँ पर जो है बाजार भी लगता है और बता रहे हैं जो बाजार में सब्जी बेचने वाले आते हैं वो इसी के ऊपर जो है पन्नी बिछाते हैं और यहीं पर अक्सर सब्जी बेचते हैं। इसी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कई बार शासन और प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ना तो शासन ही ने ध्यान दिया कभी, ना ही प्रशासन ने। जो मंदिर प्रांगण है इसमें जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक, निगम पार्षद व संबंधित विभाग को भी जो है सूचित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं एक यहीं से रहने वाले हैं, नाम बताइए। बलवान। बलवान जी, कितना विकास किया गया 5 साल में आपके यहाँ? कोई विकास वकास नहीं हुआ, वोटों की विकास थे, जब वोट पड़ी थी उससे पहले सुनाई दी भी नहीं हुई थी कोई भी। ये तो ये पन्नी वहाँ तक उड़कर जाती है, उधर की हवा आती है उधर जाती है, उधर की हवा इधर जहाँ सपोर्ट होती है वहीं रुक जाती है और कोई सुनाई नहीं है इस खत्ते की। फिर से निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या रहेगा निगम चुनाव किससे के हो? ये तो वोट तो देनी पड़ेगी, उधर रजिस्टरों में कोई प्राइवेट तो काम नहीं है भाई, ये घर रख लेंगे तो देनी है, कोई सुनाई होगी जब भी देंगे और ना होगी जब भी देंगे। वोटिंग का तो ऐसा ही काम है, वोटिंग तो करनी पड़ेगी, वोटिंग तो करनी पड़ेगी, वोटिंग बिना तो काम नहीं चलेगा। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए, कूड़ा है इधर मंदिर है उधर गली रिहास है, कभी उधर जाती है हवा में पन्नी, कभी उधर जाती है, कभी जब इस टाइम खत्ता उठता है ना इधर की हवा में तो वहाँ तक बदबू जाती है, गाड़ी उठाती है। हाँ तमाम सुविधाओं को लेकर जो यहाँ के नागरिक हैं वो लगातार शासन और प्रशासन के पास जाते रहते हैं, न तो स्थानीय राजनीतिक दल ही इनकी सुनते हैं ना ही विभाग, स्थानीय नेता भी चुप्पी साधे बैठे हैं और जो विभाग है वो अपनी आंखें बंद करके बैठा है, जिसके खामियाजा यहाँ की रहने वाली जनता वो भुगत रही है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।